विश्वास से कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक जो 2008 में अस्तित्व में आई थी। वहीं अगर गौतम बुद्ध जिला की बात करें तो 6 सितंबर 1997 को यह अस्तित्व में आया। यह जिला गाजियाबाद और बुलंदशहर को अलग करके बना था। ऐसा माना जाता है कि यहां के बिसरख में रावण के पिता विश्रवार ऋषि का जन्म हुआ था। एक मान्यता ये भी है कि यहां के दनकौर में कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। राजनीतिक इतिहास की अगर बात की जाए तो अब तक इस सीट पर 3 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मारी है। इस तरह से इसे बीजेपी का गढ़ भी माना जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट साल 2009 में बनी थी। इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें यानी कि नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, खुर्जा आती हैं। इस सीट की खास बात ये भी है कि ये बसपा सुप्रीमो मायावती का गृह जनपद भी है। वैसे तो फिलहाल काफी समय से यहाँ भाजपा का कब्जा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा ने सपा के नरेंद्र भाटी को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। भाजपा ने लगातार 4th बार यहां से अपना जिताऊ कैंडिडेट डॉक्टर महेश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने 2014 और 2019 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि महेश शर्मा जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस से गठबंधन के बाद ये लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ गई। सपा ने यहां से महेंद्र नागर को मैदान में उतारा। इससे पहले उन्होंने युवा नेता राहुल अवाना को उम्मीदवार बनाया था। वहीं बसपा ने राजेंद्र सिंह सोलंकी पर अपना दाव खेला है। अब देखना है कि बीजेपी के महेश शर्मा को अपने विरोधियों से कितनी टक्कर मिल पाती है। तो आइए अब यहाँ के समीकरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो यहाँ के कुल मतदाताओं की संख्या करीब 26,11,331 है। गौतम बुद्ध नगर सीट पर जातिगत समीकरण भी काफी अहम मानी जाती है। इनमें गुर्जर, ठाकुर, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अधिक है। यहाँ की 84% आबादी हिंदू और 13% जनसंख्या मुस्लिम है। इन्हीं जातियों के मतदाता यहाँ से चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट की किस्मत तय करते हैं। बात अगर जातिगत समीकरण की जाए तो 26 लाख वोटरों में करीब करीब 16 लाख वोटर गांव में रहते हैं। इनमें ठाकुर वोटर करीब 4 से 4.5 लाख हैं। ब्राह्मण वोटर की बात करें तो इनकी संख्या करीब 4 लाख है। मुस्लिम वोटर्स 3.5 लाख, गुर्जर 3.5 से 4 लाख, दलित 3.5 लाख और अन्य वोटर 3 लाख है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,36,922 मतों के अंतर से हराया था, जबकि 2014 के लोकसभा में उनकी जीत का अंतर 2,80,212 था। तो इस बार बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि महेश शर्मा जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। बात करें समाजवादी पार्टी की तो उन्होंने यहां कैंडिडेट को उतारने में 2 बार फैसला लिया। ऐसे में ये रीथिंकिंग कितना कारगर होती है ये देखने वाली बात होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि लगातार इस सीट से बार बार जीतने के बाद बीजेपी को इस बार अपने विरोधियों से कितनी टक्कर मिल पाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।